आज भी जब विवाह होते हैं तो मैं करबद्ध होकर एक प्रार्थना करूं, उपहार लेना गलत नहीं है, दहेज लेना भी गलत नहीं है। कब गलत नहीं है? अगर सामने कन्या पक्ष अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से दे रहा है। गलत क्या है? सामने वाले को एक बंधन में बांध कर इस चीज के लिए मजबूर करना, तुम मुझे इतना दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को स्वीकार करूंगा, ये बहुत गलत है। एक प्रार्थना करूं, बेटी का जो विवाह होता है ना, एक पिता अपने जीवन भर की कमाई संपत्ति उस एक दिन के लिए लगा देता है। हजार जगह कमी निकाल लीजिएगा, पर अगर किसी बिटिया के विवाह में गए हैं तो वहां पर किसी प्रकार का कमी नहीं निकालना चाहिए। उस एक भोजन का प्रबंध करने के लिए पिताजी ने कितने दिनों का भोजन काटा होगा, आप इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। और किसी बड़े घर का न्योता आए ना, एक बार भूल जाना, लेकिन अगर किसी गरीब घर का न्योता आ जाए तो उसको कदापि मत टालिएगा, वहां जरूर जाइएगा। बड़े के यहाँ तो हमारे जैसे हजार बड़े होंगे उनको बड़ाई देने के लिए, पर उस एक निर्धन के घर अगर आप चले जाएंगे तो आपसे उसके शादी की विवाह की शोभा बढ़ जाएगी। संत कहते हैं, बड़ों के पांव पकड़ के चलने से अच्छा है छोटों का हाथ पकड़ के चलिए, उनको सम्मान दिया जाए। एक ये जो कुप्रथा है, इस चीज से जहां तक हो सके बचिए, अवश्य बची। श्री जनक जी महाराज बारात विदा करने की स्थिति में नहीं है। एक पिता जब अपनी बिटिया का विवाह जिस दिन वो तय करके आता है, उससे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता है, बहुत खुश होता है। और जब से तय हुई रहती है बातें, उस दिन से लेके विवाह के दिन तक वो नित्य प्रति किसी ना किसी कार्य में, किसी ना किसी व्यवस्था में लगा रहता है। विवाह के जब 3 दिन बचते हैं, अब वो समझता है कि ये जितनी चीजें प्रबंध में लाई गई हैं, अपनी एक एक रत्ती पाई जोड़कर वो सब कुछ सजाकर तैयार कर देता है। विवाह का दिन आता है, लोग आते हैं, मेहमान इकट्ठे होते हैं, सबका वो मुस्कुराकर द्वार पे खड़े होकर स्वागत करता है, पर उसके मन की एक बात को कोई नहीं देख पाता कि वो पिता भीतर ही भीतर ये भी जानता है कि ये जो साज सज्जा है, ये जो लोग हैं, ये जो आज व्यवस्थाएं हैं, बस ये अभी के लिए हैं, सुबह होते ही ये सारी चीजें मुझे काटने को दौड़ेंगे, क्योंकि मैं जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, मेरी वो बिटिया ही सुबह मुझसे दूर चली जाएगी। एक साधारण सा पिता आज के समय में इतना दुखी होता है, जो जीवन में ना रोया हो वो भी बेटी को विदा करते समय कांप उठता है, वो भी रो पड़ता है। पिता और पुत्री का संबंध बहुत प्यारा, बहुत अनोखा है। बेटी अपना मायका तब तक अपना समझती है जब तक उसके माता पिता होते हैं, माँ के रहते तक, पिता के रहते तक उसका पूर्ण अधिकार वो समझती है। माँ के जाने के बाद एकमात्र पिता उसका सहारा होता है, और जिस दिन पिता साथ छोड़ दे, उस दिन वो आती है और सबसे पहले घर की चौखट पकड़ती है कि आज के बाद इस चौखट पर आने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि चौखट पर पहुंचते ही मुझे गले से लगाने वाला मेरा बाबा यहां नहीं मिलेगा, मुझे मेरे पिताजी मुझे नहीं मिलेंगे। बेटी को जब विदा करने की बारी आती है, पिता पुत्री को अपने हृदय से लगाकर बस ये सोच में लग जाता है, एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखने वाली बेटी कल से मेरे साथ आई है। अगर आज एक पिता ऐसा महसूस करता है तो जिनकी सिया अंबाजू जैसी बेटी रही हो और जिनको एक साथ अपनी 4 बेटियों को डोली में बिठाना पड़ा हो, वो बाबा जनक के मन की गति को कोई कह सकता है क्या? गोस्वामी जी ने ये चीज बाद में लिखी कि जनक जी को कैसा महसूस हो रहा है, ये तो बाद में लिखा,
उन्होंने पहले ये लिखा कि वैदेही जी के जाने से मिथिला के पशु पक्षियों को कैसा महसूस हो रहा, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सुख सारी का जाने की जाए, कुल कहीं कहाँ पे जनक जी महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं, मैया जानकी ने तोते पाल रखे थे सुख सारिका नाम के। जब उन्हें सुनाई पड़ा कि वैदेही की विदाई हो रही है, वो पक्षी कहते हैं हमें ये सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, हमें बस वहां भेज दो जहां हमारी वैदेही जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, भय विकल खग मृग एही भांति। आप विचार करो, अगर इस विदाई के दृश्य को सुनकर देखकर पशु पक्षी इतने व्याकुल हैं, तो मैं वहां के रहने वाले मनुष्यों की दशा का वर्णन किस प्रकार से करूं। जनक जी विरागी कहे जाते हैं। जनक जी संसार के मोह माया के परे अपने मन को रखने वाले हैं। विदेह राज कहे जाते हैं, जो देह की ममता से ऊपर है। जनक जी आए कि कन्याओं की विदाई होने वाली है। चारों माताएं सुसज्जित होकर खड़ी हुई थी। बाबा जनक ने द्वार से खड़े होकर वैदेही जी का स्वरूप देखा। द्वार से देखते ही जाकर के दौड़ पड़े और जाकर हृदय से अपने लग लिया जानकी जी। देखत ही सीय मूरत को, निज अंग विमूरत खोवन लागे। मंत्री सबे मन मोन खड़े मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख महीपुर, दृग अंजन बिंदु
को धोवाने लागे। ज्ञान की तो मर जाद मिटी कही जान की जान की रोवाने लागे। मंत्रियों व बंधुओं के साथ आए जनक जी की ये स्थिति जब सभी ने देखी, मंत्र कहते हैं जीवन बीत गया पर जनक जी का ये स्वरूप आज तक नहीं देखा। हमने तो सोचा था जनक जी विरागी हैं, ज्ञानी हैं, विदेह कहलाते हैं, लेकिन आज हम ये जनक जी के कौन से स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तब तक किसी ने कहा ये एक पिता जनक का स्वरूप है। जनक जी ने जाकर मैया को अपने हृदय से लगाया, रोने लगे। माँ सुनैना समझाती हैं, सुनैना जी से कहते हैं, सुनैना अगर मुझे पता होता ना मेरी वैदेही के जाने से मुझे ऐसा कुछ महसूस होगा। मैं सत्य कहता हूँ सुनैना, भले संसार मुझे मूढ़ कहता पर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता कि मेरी वैदेही को मुझसे दूर जाना पड़े। मैया सुनैना बार बार नारी धर्म की शिक्षा देते हैं। पुत्री, बेटे के कंधे पर एक कुल का भार होता है पर बेटी के कंधे पर दो दो कुलों का भार होता है। जैसे आज तक आपने निमि वंश की मर्यादा गौरव को बढ़ाया है पुत्री, अब से रघुकुल के गौरव को बढ़ाता रहना। बेटी ससुरे में रही हा तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही। मैया सुनैना कहती हैं, पुत्री आप जा रही हो वहां पर जाकर कैसे कैसे मर्यादा का पालन करना है जरा स्मरण में रखना। सांझ के तनिको समय जो पैहा, सांझ के तनिको समय जो पैहा, बिटिया सत्संग में मन लईहा, बिटिया सत्संग में मन लईहा, जो केहू के एक आहट पईहा तो मुखड़ा घूंघट में छिपईहा, जो केहू के को आहट पईहा तो मुखड़ा घूंघट में। ओ घर में रही हा हीरा मोती की दुकान बन के, बेटी ससुरे में रही हा तू जान बन के, बेटी ससुरे में रही हा। सामान देकर हम सब भेजते हैं पर अगर आप अपनी बेटी को संस्कार का खजाना देते हैं, सामान समाप्त तो हो सकता है पर संस्कार भी समाप्त होने वाला नहीं है। मैया कहती हैं और प्रत्येक माँ को कहना चाहिए, सुनते जाई तोहर बड़ाई हियरा जाई तब फुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार की तोहरा बिन लागे अनियार, ऐसन करिहा सबसे प्यार की तोहरा बिन लागे अनियार, सबके ओठे रहिहा गीता पुराण बन के, बेटी ससुरे बन के, बेटी ससुरे में रही।
बेटी के विवाह उपरांत अगर पहली बार कोई अपने बेटी के ससुराल आए, वहां पर आने के बाद अगर ससुराल पक्ष वाले ये कह दें कि बेटी जब से हमारे घर आई है ना, हमारा घर तो मानो स्वर्ग बन गया है। उस समय एक पिता को, एक भाई को, एक माँ को अपने संस्कारों पे जो गर्व होता है ना, उस चीज को आप शब्दों से बयां नहीं कर सकते। सुनते जाई तोहर बड़ाई, हियरा जाई तब फुलाई, जो तोरे कारण घर बटाई, तो जनिहा जियत ना बमाई। जो तोरे कारण घर बटाई, तो जनिहा जियत ना बमाई। ऐसन जन करिहा की ओर हन आवे बान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू जान बन के, बेटी ससुरे में रहिया। मैया सुनैना ने नारी धर्म की शिक्षा दी। बाबा जनक बारंबार माँ वैदेही को अपने हृदय से लगाते हैं, रुदन कर रहे हैं। एक बेटी विवाहोपरांत जब अपने मायके आती है ना, बड़ी प्रसन्न होती है। पर बड़े आश्चर्य की बात देखिए, अपने ही घर में जब वो आती है विवाह के बाद, तो लोग उससे पूछना शुरू करते हैं और जाना कब है, कब जाना है। जब वो जाने लगती है तो घर का हर एक शख्स उसे याद दिलाता है, सब कुछ रख लेना, कुछ भूलना मत, ध्यान से चीजें समेट लो। उस पल वो बेटी सोचती है, मैं समेटना शुरू करूं तो क्या क्या समेटूं? अपना बचपन समेटूं, माता पिता के साथ बिताया समय समेटूं, भाई के साथ हुई नोक झोंक को समेटूं, भाभी के साथ मनाए गए त्योहार के आनंद को समेटूं, छोटे छोटे भाई भतीजों के कहे हुए तोतले शब्दों को समेटूं, मैं क्या क्या समेटूं? मैं लाख यत्न करती हूं पर कुछ ना कुछ तो हर बार मेरा यहाँ छूट जाता है। वो लाख यत्न करती है पर संभव नहीं हो पाता है। विवाह के उपरांत भी बेटी मायके में भी बैठी होती है तो उसे चिंता अपने माँ बाप की लगी होती है। लड़कियां चिड़िया होती हैं, उनके पर नहीं होते। लड़कियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर बेटियों के अपने घर नहीं होते। ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है, मायके वाले कहते हैं ये तो पराई है, अब तू बता विधाता तूने ये बेटी कौन से घर के लिए बनाई है। चीजें समेट आना, सारी चीजों के मध्यस्थ एक पिता के बराबर वर का पिता लाख कहे कि मैं बेटे वाला मैं बड़ा हूं, साहब आप बड़े हो ही नहीं सकते क्योंकि आपका कलेजा इतना मजबूत कभी हो ही नहीं सकता कि 20 साल से जिसको पाल पोस कर रखा उसको एक झटके में किसी और को सौंप। इतनी ताकत, इतना मजबूत हृदय भगवान केवल एक बेटी के पिता को प्रदान करता है। इंसान अगर एक खिलौना भी अपने पास 10 दिन रख ले तो वो खिलौना भी इतना अजीज हो जाता है ना कि उसके टूटने का भय लगता है। और एक बेटी को 20-25 साल पिता हीरे मोती की तरह सहेज कर संभाल कर रखता है और एक झटके में पूरे विश्वास के साथ किसी और को सौंप देता है। अगर सामने पिता विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास पे खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो ये भी नहीं जानता कि सामने मैंने एक बार देखा है, मेरी बेटी वहां जाएगी तो अपना दुख किससे कहेगी। मुझे मेरे बेटे की बातें पता है, वो उठते ही खाने को मांगती है, वो जाएगी तो वो किससे कहेगी कि मुझे भूख लगी है। जीवन में कभी दुख होता है ना,
कोई लाख संपत्ति के बीच किसी बेटी को बिठा दो, पर अगर जीवन में एक छोटा सा कांटा भी चुभता है ना, तो बेटी को अपने माँ की याद सबसे पहले आती है। और आज बाबा जनक की स्थिति, बाबा जनक कहते हैं सुनैना जो मेरे पीछे पीछे बाबा बाबा कहकर दौड़ती रहती थी, सुनैना कल से मुझे कौन बाबा कह के बुलाएगा। मैं किसकी तोतली शब्दों को सुनकर अपना दिन बिताऊंगा, मैं किसका मुख चंद्र देखकर अपना सवेरा करूंगा। सुनैना वो घर वो परिवार जहां हर एक कोने में बेटी की यादें होती हैं, एक बार बेटी जाती है फिर उस एक एक चीज को देखकर बेटी की याद अपने पिता को आती रहती। तेरे आंगन की चिड़िया हूं माँ, उड़ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। रात के समय जब तुझको हरारत होगी, होंठ सूखेंगे, पानी की जरूरत होगी, दर्द महसूस होगा मुझे, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। अगर कपड़ा जो सिलना अगर चाहोगी, धुंधली आंखों से धागा ना पिरो पाओगी, चुभन महसूस होगी मुझे, सिहर जाऊंगी, पर तू बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। हर एक पल पर ये विदाई की बेला में माँ मजबूत हो जाती है, पिता कमजोर पड़ जाता है। यद्यपि माँ बहुत नर्म मन की होती है, बहुत कोमल है, पर जब बेटी के विदाई की बात आती है ना, तो यहाँ पर पिता ज्यादा कमजोर पड़ता है। जो कभी नहीं रोया वो कमजोर पड़ता है। एक भाई जो हर बात बात पे कहता था कि तू चली जाएगी तो मैं आराम से रहूंगा, वो जब अपनी बहन को डोली में बिठाता है ना और बहन उसका हाथ पकड़ती है, उस समय भाई को लगता है कि हाँ अब मेरा कुछ जा रहा है। बेटी दूर बैठी होती है, राखी का त्योहार आ जाए ना, खुद नहीं जा पाती है तो 10 दिन पहले से कोरियर में लगा देती है, फोन कर देती है, सबके हाथों में राखी होगी, तेरी कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए, मैंने राखी भेजी है, तू बांध जरूर लेना। हर एक धर्म को वो किसी की माँ के नाम से जानी जाती है, किसी की पत्नी, किसी की बहू, पर एक स्त्री कभी अपनी पहचान ले ही नहीं पाती, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसी प्रतिमूर्ति बनाया है। अगर मैं कहूं कि वो त्याग का दूसरा रूप है तो शायद मैं गलत नहीं। और जब सिया जो जाने लगी होंगी, जो आदि शक्ति हैं, जिनके घर में खेली खाई अपना बचपन बिताया, आज जब माँ वैदेही जाने लगी, जनक बाबा डोली में बैठी हैं, सियाजू जनक जी नंगे पांव डोली के पीछे भाग रहे हैं, भागने लगते हैं, महल का कोई खंभा दिखता है, पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी चीज की जिद ठान ले कि मुझे ये वस्तु दिला दो और उसे कोई ना दिला रहा। जनक जी का भी अंतर्मन कहता है बस रोक ले कोई आज मेरी वैदेही को। माँ सुनैना कहती है महाराज ये कैसी आज स्थिति आई है, जो हमारे जीवन का सब कुछ लेकर जा रहा है आज उसे ही आशीष देने का मन कर रहा है। आज राघव के लिए रोम रोम से आशीष निकल रहा है। जनक जी महाराज डोली के पीछे मैया पकड़ती हैं, समझाती हैं। बाबा जनक जी वापस जब आए, आंगन सूना देखा, मंडप सूना देखा, फिर से धरती पर बैठ गए, रोने लगे। चली राम जी के घर सिया माँ तू पिता से लेके विदाई। चली जी।
बचपन के समय माताओं के साथ श्री अवध धाम पहुंचे। भगवान एक बार जिसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उसके समक्ष उपस्थित हो जाएं, फिर मानो जीवन त्याग करना सही समझता है, पर उनसे दूर हो पाना उस स्वप्न में भी नहीं कल्पना करता कि मैं कभी दूर हूं उनसे या कभी ये मुझसे दूर जाए। और मैं सत्य कहूं आप सभी के समक्ष निवेदन करूं, ये प्रेम हम आप सभी भगवान से कर सकते हैं। हम सबके भीतर भगवान ने वो चीज दी है। मैंने बार बार कथाओं के दौरान कहा, केवल आपका विश्वास अगर अडिग है तो हर एक प्रकार से भगवान आपके साथ है, प्रत्येक रूप में।